नमस्कार, आज मैं नेनुआ और काबुली चना की सब्जी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए नेनुआ को लेकर के पहले ऊपर का छिलका को स्क्रेच चाकू की सहायता से स्क्रेच कर दिए हैं। स्क्रेच करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से धो लिए और धो करके इस तरह से पतला पतला पीस पे काट लिए हैं। और इधर काबुली चना को लेकर के पहले 5-6 घंटा पानी में भिगो दिए थे। भिगोने के बाद इसे हम कुकर में 1 गिलास पानी डाल करके इसे 3-4 सीटी आने तक बॉयल कर लिए थे। ये बॉयल किया हुआ काबुली चना है। इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर में 3 छोटा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा है, जीरा को डाल देते हैं। जीरा के साथ ही एक सूखी लाल मिर्च है, उसे भी डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें हम 5-6 लहसुन की कलियां को लेकर के इसे हम पतला पतला लंबा लंबा पीस में काट लिए हैं, उसे डाल देते हैं। और लहसुन के साथ ही एक मीडियम साइज का प्याज है, उसे हम इस तरह से मोटा मोटा पीस में काटे हैं, उसे भी डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को लो करके प्याज को हल्का भूनना है। प्याज हल्का भुना गया है, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का ही भुनना है। अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चना मसाला पाउडर और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम कटा हुआ जो नेनुआ है उसे हम डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को लो करके इसे हमें लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है कि जिससे कि मसाला में अच्छी तरह से नेनुआ मिल भी जाए और थोड़ा नेनुआ गल भी जाए। लगभग 5 मिनट तक इसे हम इसी तरह से ऊपर नीचे करते रहें, नेनुआ गल भी गया है, देखिए नीचे भी चला गया है। अब इसमें हम बॉयल किया हुआ जो काबुली चना है उसे डाल देते हैं। आप काबुली चना की जगह पे लाल चना भी डाल सकते हैं और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं और नमक को भी मिला लेते हैं। मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन को लगा करके 1 सीटी तेज आंच पे इसे हम पका लेते हैं। 1 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। नेनुआ की सब्जी बनकर तैयार है, देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम सिंपल सब्जी है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।